क्यू को कैसे हम लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन है क्यूज का। अब क्यूज मतलब ये होता है कि आपका इस जगह पे आपका रिमूवल होगा, इस जगह पे आपका इंसर्शन होगा। तो इसके लिए भी हम आयो स्ट्रीम और कोनियो इंक्लूड करते हैं। ऐसी एक नोड बना लेंगे इस तरीके से, यहाँ डेटा होगा, यहाँ पर आपका एड्रेस होगा, मतलब एड्रेस होगा, पॉइंटर होगा दूसरे नोड के लिए। तो यहाँ पर डेटा हो गया, ये नोड के लिए नेक्स्ट हो गया। एक क्लास बनेगी हमने क्यू। अब इसमें क्यू में क्या होता है, एक फ्रंट और रियर हमको ये मैनेज करना पड़ता है, और ये फ्रंट और रियर इसी टाइप के होंगे क्योंकि नोड ही है ये। तो हम क्या करेंगे, अब इस तरीके से समझिए, इस तरीके से बना हुआ है क्योंकि हमको लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करनी है, इस तरीके से है ये। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट रियर ये लेंगे, और क्यू में सबसे पहले हमने फ्रंट और रियर नल कर दिया क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं का मतलब ये है खाली, मान लीजिए। तो फ्रंट और रियर दोनों इसी को पॉइंट कर रहे हैं। अब हमने तीन फंक्शन बनाए, इंसर्ट क्यू, डिलीट क्यू और डिस्प्ले क्यू। इंसर्ट क्यू में क्या होगा, इंसर्ट क्यू में सबसे पहले हम चाहते हैं कि इसमें एक एलिमेंट इंसर्ट करें, ठीक। तो आपने क्या किया कि इसी का एक पॉइंटर बना दिया, इसको हमने मेमोरी असाइन कर दिया, न्यू बना दिया इसको। अब हमने कहा कि एंटर करिए एलिमेंट को, तो पीटीआर डेटा जो भी होगा वो आपने सीएन में इनपुट कराया, और आपने कहा कि पीटीआर को नेक्स्ट को नल दे दिया, क्योंकि अब आपने ये नल था ना, ये नल था, अब आपने इसमें एलिमेंट जब इंक्लूड कर दिया, यहाँ पर डाल दिया, तो अब ये तो नल नहीं होगा, अब नेक्स्ट इसका नल होगा। अगर रियर नल है तो फ्रंट बाई चांस अगर एंड जो है वो नल है तो फ्रंट और रियर दोनों पीटीआर को पॉइंट करने लगेंगे, यानी कि अभी पहला एलिमेंट ही तो गया है, एक एलिमेंट खाली था ये, तो फ्रंट और रियर दोनों इसी को पॉइंट करने लगेंगे, ये काम हुआ है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, रियर का जो नेक्स्ट है, ये रियर है ना, इसका जो नेक्स्ट है उस वो पॉइंटर को पॉइंट करने लगेगा, पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा है वो रियर नेक्स्ट को पॉइंट करने लगेगा, और रियर जो है उसको पॉइंटर पे दे देंगे आप। अगर डिलीट करना है क्यू को तो क्या करेंगे, सेम चीज होगी। अगर मान लीजिए इसको डिलीट करना है, वैसे डिलीट तो यहीं से होगा, तो नोड पॉइंटर बनाएंगे, इसको मेमोरी असाइन करेंगे, उसके बाद जो पॉइंटर है वो फ्रंट को पॉइंट कर रहा है अभी। एलिमेंट अगर डिलीट करना है तो फ्रंट और रियर अगर बराबर है, इसका मतलब क्योंकि पीटीआर डाटा आपने लिया, डिलीट करना है, और फ्रंट और रियर इसमें बराबर हो गया जैसे डिलीट करने पर, तो फ्रंट और रियर आप नल कर देंगे, इसका मतलब आपने सारा खाली कर दिया है। अदरवाइज अगर नल नहीं है तो मतलब कोई और बचा हुआ है, तो फ्रंट के नेक्स्ट को आप फ्रंट पॉइंट कर देंगे और डिलीट पीटीआर कर देंगे जो आपने यहाँ बनाया था, डिलीट से क्यू हो जाएगा क्यू से। ऐसे ही अगर आपको डिस्प्ले करना है क्यू को तो एक नोट पॉइंटर बनाएंगे, इसको मेमोरी असाइन करेंगे, फ्रंट आपका पीटीआर होने लगा, और क्यू जब क्यू को दिखाने के लिए पॉइंटर जब तक नल ना हो पीटीआर डेटा दिखाते रहिए, नेक्स्ट नेक्स्ट में जाते रहिए, ऐसे ही इंप्लीमेंट होगा। तो हमने क्यू का एक क्लास बनाई है, इसको अगर आप प्रोग्राम में देखना चाहें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डू व्हाइल का लूप लगाएंगे, क्यू वन ये जो ऑब्जेक्ट है इससे इंसर्ट क्यू करेंगे, आप यूजर से बोलेंगे साहब कब तक आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, जब तक वो यस बोलते रहेंगे तब तक इंसर्ट कराएंगे, यस के अलावा कुछ भी बोलेंगे बाहर आ जाएंगे। उसके बाद Q1 जितना इन्होंने डाला है उसको डिस्प्ले करा दीजिए, उसके बाद आप कहेंगे कि डिलीट करिए, तो वो आपके एक जो फ्रंट और रियर पोजीशन हमने कहा है तो फ्रंट पोजीशन से एक डिलीट कर देगा, ये काम होता है। तो ये बात